आंगनबाड़ी में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि आरोपियों पर पहले भी चोरी के केस हैं। आरोपी जमानत पर बाहर आए थे। जमानत पर बाहर आने के बाद वह फिर चोरी की वारदातें करने लग गए। आपको बता दें कि 18 मार्च को रात के समय कुछ अज्ञात युवकों द्वारा गांव मुनक की आंगनबाड़ी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपियों द्वारा एक गैस सिलेंडर व 3 क्विंटल गेहूं चोरी किया था। वारदात के बाद आंगनबाड़ी वर्कर संतोष कुमारी ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस की जांच तफ्तीश में आरोपी शुभम व रजत निवासी गांव अराईपुरा को नई अनाज मंडी घरोंडा से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया एक गैस सिलेंडर व 1200 रुपये बरामद किए गए हैं। आरोपी शुभम के खिलाफ पहले भी चोरी के 3 व आरोपी रजत के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें आरोपी जमानत पर बाहर थे। आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।